वित्त मंत्री ने जब कहा कि मनरेगा के तहत 5 लाख कृषि तालाब बनाए गए हैं और मार्च 2017 तक 10 लाख कृषि तालाब बन जाएंगे। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है कि आप जाने और यूं ही मुंह फेर लें। देश में 10 साल 10 लाख कृषि तालाब बन जाएं और मीडिया से लेकर किसी को खबर ना हो, इससे पता चलता है कि हम वाकई बेखबर रहने लगे हैं। इस तालाब क्रांति की आहट, अगर ऐसी क्रांति हुई है तो केंद्र सरकार के किसी विज्ञापन से भी नहीं महसूस होती है। वित्त मंत्री ने अगले साल तक और 5 लाख कृषि तालाब या खेत तालाब बनाने का ऐलान किया है। पिछले बजट में 10 लाख कंपोस्ट पिट बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, ये उनके रिकॉर्ड में है। वित्त मंत्री ने इस बजट में जिक्र तो किया कि 10 लाख कंपोस्ट पिट बनाए जाएंगे, लेकिन कितने बने हैं या कितने और बनेंगे भाषण में इसका जिक्र नहीं दिखा। खेत तालाब योजना क्या है, इसका आकार क्या है, बजट क्या है, यह जानना जरूरी है क्योंकि एक बड़ी कामयाबी हमारी नजरों से गुजर गई। यह तस्वीर एक खेत तालाब की है जो बुंदेलखंड के महोबा की है। पीपुल्स वाटर फोरम एक वेबसाइट है जो पानी और पर्यावरण की रिपोर्टिंग करती है। इसके पत्रकार केसर ने यह तस्वीर हमें दी है। उत्तर प्रदेश के पैमाने के अनुसार खेत तालाब को 25 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा होना चाहिए। इस तरह के तालाब आप अपने खेत में बनाते हैं, 3-4 दिन में बन जाते हैं। कई जगहों पर मनरेगा के तहत सार्वजनिक भूमि पर भी इस तरह के तालाब बनते हैं और कई जगह अपने खेत में बनाने पड़ते हैं। इन सब के लिए योजना और पैसा अलग अलग है। एक तालाब के निर्माण का खर्चा 1,05,000 यूपी के हिसाब से केसर जी ने बताया, जिसका 55,000 हिस्सा सरकार देती है, बाकी हिस्सा किसान को खुद देना होता है। तो सोचिए कि 50,000 रुपया देकर किसान क्या वाकई 10 लाख तालाब बनवा लिया होगा इस देश में। इस हिसाब से देश में अगर ऐसे खेत तालाब बने होंगे तो क्या किसानों ने वाकई अपनी जेब से इतना पैसा खर्च किया होगा, यह सवाल है, वो भी 10 लाख की संख्या में। अगर मार्च 2017 तक इतने तालाब बन जाते हैं तो देश में एक ऐसी क्रांति हो गई है जिसका हम सबको अपनी कुर्सियों से उठकर ताली बजाकर स्वागत करना चाहिए। यह मामूली बात नहीं है। महाराष्ट्र में खेत तालाब योजना अलग से योजना है जो 2010 से है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री ने, उनकी सरकार ने इस योजना में और बहुत कुछ जोड़ा। मघेल त्याला शेतल योजना, अगर मैंने सही मराठी उच्चारित किया है तो, और 2016 में इसके अनुसार खेत तालाब बनाने वाले किसान को तुरंत अनुमति का प्रावधान किया गया और 50,000 की सब्सिडी देने की बात हुई। सरकार का लक्ष्य था कि हर एक खेत में एक इस तरह के तालाब बन जाए ताकि सूखा प्रूफ हो जाए। अब जो तस्वीर देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के खेत तालाब की है, टैंक जैसा तालाब। ये मेरी अपनी तस्वीर नहीं है, ये वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के ईश्वर काले साहब की तस्वीर है, उनकी भेजी हुई। प्लास्टिक की चादर बिछी हुई नजर आती है, इससे वर्षा का पानी जमीन में कैसे जाएगा, सहज बुद्धि से आप सोच सकते हैं। महाराष्ट्र ने 30 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा खेत तालाब बनाने का पैमाना तय किया है। 2019 तक हर साल 5,000 गांवों में तालाब बनाकर सूखा मुक्त किए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 70,000 करोड़ का प्रावधान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिलता है। अगर कोई किसान अपने खेत में खेत तालाब बनाए तो 50% पैसा सरकार देगी, 50% उसे अपनी तरफ से देना होगा। आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में जहां किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनके पास 50,000 रुपए हैं अपने खेत में तालाब बनाने के लिए। 12 मई 2016 के बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत 6,700 खेत तालाब बनाने का लक्ष्य तय किया। 2016-17 के लिए महाराष्ट्र ने 1,000 तालाब बनाने का लक्ष्य तय किया था, वहीं यूपी ने 5,705, आंध्र प्रदेश ने 2.5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य रखा था। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने यह रिपोर्ट लोकसभा में सरकार के जवाब के आधार पर छापी थी। जनवरी 2017 के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पिछले महीने के ईपीडब्ल्यू में ईश्वर काले का यह महाराष्ट्र के खेत तालाबों पर लंबा लेख है, वो हमारे साथ स्काइप से जुड़ जाएंगे, नहीं तो हम फोन लाइन से उनसे बात कर लेंगे। दिसंबर 2016 में हफिंगटन पोस्ट के लिए निधि जामवाल ने पालाघर से महाराष्ट्र के एक रिपोर्ट की है। इन दोनों ने इन तालाबों पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। मार्च 2017 तक 10 लाख खेत तालाबों के बन जाने की घटना को हल्के में मत लीजिएगा। मनरेगा की साइट पर हमने जाकर देखा तो उससे यह पता चलता है कि 8 लाख से कुछ ज्यादा तालाबों का जल संरक्षण और संचयन के मामले में उनमें तुरपाई है, सुधार है, खुदाई है और सफाई है, बहुत तरह का जो है, लेकिन वित्त मंत्री के बात से लगता है कि इतने तालाब बने हैं क्या है? उनकी बात यही है जो हम समझ रहे हैं। प्राइम टाइम में बात करेंगे स्टूडियो में, केशव सिंह है, कन्वीनर है पीपुल्स वाटर फोरम के, और ईश्वर काले साहब है। ईश्वर काले साहब, आप बताइए, जो मैंने बताया उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, समय कम है। हम चाहते हैं कि दर्शकों को इस तालाब क्रांति के बारे में जानकारी मिले और अपने देश पर वो गर्व करें कि उनके देश ने एक साल में 10 लाख तालाब, खेत तालाब, फार्म पॉन्ड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बनाए हैं।
क्या फार्म पॉन्ड जो आमतौर पर गांवों के बीच में तालाब होते हैं उससे अलग होते हैं? रवि जी, बात आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी मैं सुन रहा हूं। या बात यह है कि ये जो फार्म पॉन्ड की स्कीम जो सेंटर और स्टेट लेवल पे जो हमारे सामने आई है उसकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने जो वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की ओर से जो भी एक्सटेंसिव रिसर्च किए हैं उससे कुछ मोटी मोटी बातें सामने आई हैं। मैं आपके सामने वो चार पांच बातें शेयर करना चाहता हूँ। नंबर एक, ये जो फार्म पॉन्ड की जो स्कीम है वो अपने उद्देश्य से हटती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली फार्म पॉन्ड का जो आइडिया आया हुआ था कि जो अतिरिक्त रन ऑफ है, पानी का जो बहाव बहने वाला पानी है वो हम अरेस्ट करके एक पॉन्ड बना के उसमें डाल दे और फिर वो जब जरूरत पड़ी तब यूज करें। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब महाराष्ट्र में आपको अभी ऐसा सेत तला मिलना, फार्म पॉन्ड मिलना बहुत मुश्किल है जो रन ऑफ से भरा जाता है या बहने वाले पानी से भरा जाता है। लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि जो भूजल है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, उससे पानी खींच के वो फार्म पॉन्ड में भरा जा रहा है। और वो जो स्ट्रक्चर है वो भी टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड अबोव द सरफेस लाइन, राइट? सो अभी उसमें पानी का बहाव जाना मुश्किल ही है। और तो क्या है कि जो अभी भूजल का स्तर जो नीचे जा रहा है वो और भी नीचे जाने के लिए ये फार्म पॉन्ड। जी काले साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप महाराष्ट्र में घूमते हुए ये देख पाए कि इतने बड़े तादाद में तालाब बने हैं? क्या किसानों के पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी तरफ से 50-50 हजार रुपए देकर इस तरह के तालाब बनाए हों? क्योंकि निधि जामवाल की रिपोर्ट से गांव के बारे में पता चलता है कि वहां 35 खेतों में ऐसे तालाब बने हुए थे। राइट, अभी बात ऐसी है रवि जी कि ये जो शेतली की स्कीम है जो बड़े हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं जो जिसके फल बाग वगैरह चीजें हैं तो वो ये करने में सक्षम है। वो गवर्नमेंट का अनुदान लेते हैं और उसमें अपने जेब का पैसा डाल के बहुत बड़े साइज और डेप्थ का सेत तला बनाते हैं। तो उसका एक तो डेप्थ बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है और सभी एक्वीफर को एम्प्टी करके उसमें पानी भर देते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, जिसके पास पैसा है वो एडिशनल पैसा लगा के वो सब कर देता है। अब दूसरी बात आप जो बोल रहे कि नंबर की बात है, तो बहुत सारे आपको गांव में घूमेंगे तो ये पता चल जाएगा बहुत सारे इनकम्प्लीट फार्म पॉन्ड आपको दिखाई देंगे जो रजिस्टर पे आपको कंप्लीट दिखाई देंगे लेकिन वो फंक्शनिंग लेवल पे नहीं होते हैं। तो वो आपके टारगेट में तो आ गए लेकिन वो तो फंक्शनिंग करते नहीं है, बट आपका टारगेट तो मेट हो गया। तो ये सब चीजें ग्रास रूट लेवल पे हो रही है। अभी दूसरा एक बड़ा हमारा संशोधन कहता है कि आप जो अभी प्लास्टिक लाइन उस पर डाल रहे हो तो आपका कोई भी उससे उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है। एक आपका दूसरा उद्देश्य था कि पानी उसमें आ जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, कुछ पानी परकोलेट हो जाएगा, आप कुछ खेती के लिए यूज करेंगे, तो अभी वो परकोलेशन की भी संभावना बिल्कुल कम हो चुकी है। ये अकल कहां से आई है कि तालाब खोद के उसमें प्लास्टिक की चादर बिछा दें? ये तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। ये अकल मतलब किसी महान आदमी की भी तो देन होगी ना। ये अकल अवतरित कैसे हुई भारत भूमि पर? और सरप्राइजिंग तथ्य यह है रवि जी इसके बारे में कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का जो स्कीम है उसके अंतर्गत सरकार ये प्लास्टिक लाइनिंग के लिए सब्सिडी देती है। तो दिस इज ऑल्सो सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट। तो ये सब बात है। और हमारा एक दूसरा मेजर ऑब्जर्वेशन इसके बारे में है कि हम अभी क्या कर रहे हैं कि जमीन के नीचे का पानी जो सुरक्षित है वो जमीन के ऊपर डाल रहे हैं और जो उसका इवेपोरेशन, अभी आप तो पता है कि क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट में अभी तापमान भी बहुत सारा बढ़ रहा है, राइट? तो ये सब चीजें हैं। और इसका विपरीत परिणाम क्या होता है मैं ये बोलकर खत्म करूंगा। अभी विपरीत परिणाम ये हो रहा है कि एक ही फार्म पॉन्ड ओनर 10 लोगों का पानी खींच के अपना फार्म पॉन्ड भर रहा है और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे गाँव है उसमें 4-5 बहुत बड़े फार्म पॉन्ड पूरे भरे हुए लेकिन पीने के लिए पानी आपको टैंकर पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये सब चीजें। लेकिन ईश्वर काले साहब और केसर, मैं आप लोग का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप तो जानते ही हैं कि हम टीवी वाले कहीं पहुंच नहीं पाते हैं,
लेकिन आपकी वजह से हम दिल्ली में बैठे बैठे आप महाराष्ट्र के इस सिंचाई योजना के बारे में आपने तस्वीर हमें उपलब्ध कराई। केसर साहब, आपको यकीन है, आप कितने गांव में इस तरह से घूमे होंगे, क्या आपको लगता है कि 10 लाख ऐसे हमने खेत तालाब बनाए होंगे? इसमें कई चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ अंतर कर दें तो फिर ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। एक तो पहली बात यह है कि मनरेगा से किसी भी किसान का तालाब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मनरेगा से व्यक्तिगत तालाब का बनता है, वो दो तीन लोगों के तालाब बनाए जा सकते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के बनाए जा सकते हैं, लघु सीमांत किसान आते हैं मनरेगा में। राइट, ठीक है। और तीसरी बात है कि जिनको कभी इंदिरा आवास मिला हो उनको भी माना जाता है कि वो गरीब किसान है, उनको ले लिया जाता है मनरेगा से। तो मनरेगा कितने महंगे होते हैं, मतलब कितना पैसा लगता होगा एक तालाब बनाने में? एक तालाब बनाने में जो ये इनका मतलब जहां आपने अध्ययन किया है, मतलब जनरल बात, मतलब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मेरे पास हिसाब है उनका। ये सामान्यतः 20x3 के बनते हैं, 20 मीटर x20 मीटर x3 मीटर गहराई के बनते हैं। तो ये इसका अगर क्यूबिक मीटर में हिसाब लगाए तो 1200 क्यूबिक मीटर बनता है, और इसमें सामान्यतः 75 रुपए क्यूबिक का रेट चलता है। तो अगर इसके हिसाब से लगाएं तो करीब 75,000 से करीब 90,000 रुपए के करीब तो ये इसकी खुदाई का खर्च हो जाता है, और इसमें इनलेट आउटलेट का खर्च मिला करके सरकार मानती है कि 1,05,000 रुपए के करीब। सरकार मानती है? उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इसलिए उनके साथ थोड़ा सा काम भी किया है इसलिए अनुभव से मैं बता रहा हूं। तो 1,05,000 रुपए के करीब खर्च आता है, तो सरकार उसमें 52,500 रुपए देती है। इस साल उसमें ये स्कीम बहुत पुरानी है, 2006 से चल रहा है ये फॉर्म पाउंड, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन और भी एक साल में 10 लाख बना। हाँ, तो एक साल में। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि जो शुरू में बने थे बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं, लोगों ने बंद कर दिए, उनकी जरूरत नहीं महसूस हुई। अब आप देखेंगे पुराने जो बने हुए हैं ना वो, और इनमें से भी ये जो 10 लाख बने हैं आधे से, अब मतलब मेरा अंदाजा है कि 30% तो कागज पे होंगे, 30-40% कागज, 30-40% मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मैं बुंदेलखंड के कम से कम 60-70 गांव में तो मैं खुद घूमा हूं, और चूंकि स्कीम को जमीन तक पहुंचाने में हम लोग सरकार के साथ डे टू डे बातचीत में थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तब भी उसके बावजूद भी ये दावा कर रहा हूं कि ये 30-40% कागज में है, और 30-40% आधे अधूरे हैं। मुश्किल से उसमें से अच्छे जो बने होंगे, ठीक ठाक बने होंगे, 20-25-30% के करीब बने, बताइए ये संख्या होगी। और अच्छे उसमें भी किसान अभी देख रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं कर रहा है कि 10 लाख कांग्रेचुलेट वी मेड 10 लाख। नहीं नहीं, नहीं, वो कोई ट्वीट नहीं करेगा, क्योंकि लोग अभी हक्का बक्का हैं। जो दोपहर की खबर थी, हम लोग भी उसे आजकल पुण्य का तो दो ही काम है, या तो गंगा नहाइए नहीं तो ट्वीट कीजिए जी। तो मेरा ये कहना है कि उसमें सरकार जो सब्सिडी दे रही है 52,500 रुपए की, और वो सरकार से सब्सिडी किसान ले लेगा, ये भी अपने आप में कौशल है। क्या किसान इतना सक्षम है? 52,000 नहीं ले पाता है, आर्थिक रूप से सक्षम। मैं आपको एकदम सीधा कुछ चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 52,500 रुपए सरकार को लेने में, मतलब किसान को सरकार से लेने में लगभग 20-25,000 रुपए खर्च हो जाता है, और कई महीने लग जाते होंगे। अब महीने दौड़ता रहता है, फिर भी दावा किया गया पिछले साल के बजट में था कि 5 लाख के फार्म पॉन्ड बनाएंगे। सरकार का पैसा किसान इतनी आसानी से ले लेगा, ये हम लोगों को अंदाजा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। 10 लाख तालाब हिंदुस्तान ने बनाया, क्या वाकई बनाया है? अपने अपने गांव में चेक कीजिए, फोन कीजिए, पता कीजिए, जिस भी किसान को जानते हैं उससे पूछिए कि ये 10 लाख तालाब कहां बना है। ब्रेक ले लीजिए। किशन जी, क्या ये हुआ होगा कि राज्यों ने गलत रिपोर्टिंग कर दी हो? जैसे आप कह रहे हैं कि 52,000 सब्सिडी लेने के लिए रिश्वत चलती है, 25,000 ना दें तो आप प्रधानमंत्री जाके बुंदेलखंड के ब्लॉक में तो नहीं देखेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो इस जो भी है ये योजना को फिर मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, फिर क्या करना? मुझे लग रहा है कि 2-3 काम करने की जरूरत है। एक तो पहले ये आकार पर फिर से इनको थोड़ा सा इसको फिक्स्ड करने के बजाय, इन्होंने आकार फिक्स कर रखा है, ये थोड़ा सा इसको लिक्विड करना चाहिए। किसान को आखिर पानी की कितनी जरूरत है, उस आधार पर तालाब का आकार बढ़ाने घटाने की उसमें सुविधा होनी चाहिए। आप जैसे मान लीजिए एक किसान है जिसके पास 10 बीघा है, अब ये 1200 क्यूबिक मीटर पानी उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर उसको 3 साल बाद ये लगेगा कि हमारे लिए अनुपयोगी है तालाब, तो उठा करके बंद कर देगा, किसी दिन उसमें मिट्टी पार देगा। ये प्राइवेट खेत पे बन रहे हैं ना, निजी सार्वजनिक रूप से बनते तो सबके काम में आते, सबके काम में। अगर मेरे खेत पे मेरा है तो वो पानी तो मैं दूसरे को दूंगा नहीं, नहीं वो कोई एक तरह से इसमें भी समस्या है कि आप अपनी जमीन पे तालाब बना रहे हैं सरकार के पैसे से, बजाय इसके कि आप सार्वजनिक तौर से बनाएं, तो एक तरह से
तो वो ज्यादा बेहतर होता और खेत स्थायी तालाब होता। ये था कि मूलतः जो इसके पीछे बड़ा मकसद था, क्योंकि पूरे पानी के यूज में 80% खेती में ही पानी यूज होता ठीक है, तो उसको एड्रेस करना है, ताकि 80% यूज को हम एड्रेस कर लें तो हम पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप हैरान हो, समय कम है कि 10 लाख के आंकड़े से आप हैरान है? अगर मैं हैरान हूँ, बहुत ज्यादा हैरान हूँ, तो काफी बढ़िया हो गया। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इसमें मॉनिटरिंग ठीक करनी चाहिए, नहीं तो ये 10 साल बाद आप देखेंगे तो फिर वहां कोई तालाब दिखेगा नहीं आपको। जैसे मनरेगा के तालाबों के बारे में अब बहुत सारे तालाब हम नहीं दिखते हैं, जो पहले दावे किए गए थे कि ये तालाब बने थे, अब नहीं दिखते हैं। और कई जगह अधिकारी कहते भी हैं कि वो बने भी और बह गए। अधिकारियों का बयान ही है कि बह गए, वैसे ये तालाब भी आपको बह मिलेंगे नहीं आपको 3-4 साल बाद। आपको ईश्वर काले जी, इसकी कुछ खूबियां भी तो होंगी ना? आप अभी पता चला आप एक फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, वहां भी सलाहकार हैं आमिर खान। हाँ, पानी फाउंडेशन। और एक मेरठ से किसी ने कहा है कि एक और फाउंडेशन से उन लोगों ने भी तालाब बनाए हैं, तो जो अच्छा वाला पहलू है वो भी थोड़ा बताइए, भले 10 लाख नहीं बना तो क्या हुआ? राजेश रवि जी, इसमें दो संभावनाएं हैं, अच्छी संभावना है। जो वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट ने एक उसका छोटा सा पायलट भी किया है। अभी अगर मान लो कि एक किसान अपने इस खेती के लिए एक साल के लिए लगने वाला पानी अगर सिक्योर कर सकता है, तो क्यों एक गांव अपने पीने के पानी के लिए लगने वाला पानी सिक्योर नहीं कर सकता? अब आपको पता है कि बहुत सारे गाँव है जो महाराष्ट्र में टैंकर फेड है। तो अगर इस फार्म पॉन्ड स्ट्रेटेजी को हम पीने के पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सके, इस तरीके से हम पायलट कर सके, तो एक बड़ा अचीवमेंट हमारे पास हो सकता है। और इसको लेके हमने एक छोटे से गांव में एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो 2 साल से अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और वो गांव पीने के पानी के लिए अपने खुद के पानी के स्रोत पर निर्भर है। तो एक बड़ी संभावना है। दूसरी बात यह है कि हमने ये जो प्लास्टिक लाइनिंग है, ये बहुत कॉस्टली अफेयर है एक्चुअली। और क्यों है सर? मतलब सरकार ने कोई ने तो सोचा होगा ना ये क्यों है, अगर इसके डालने से प्लास्टिक क्यों डालेंगे? नहीं, इसका एक तो क्या है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है। हाँ। और ये फार्मर का इंटरेस्ट है कि मेंटेनेंस के लिए बहुत आसान है, एक बार डाल दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं 5 साल के लिए। तो हमने क्या सोचा कि अगर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, कॉस्टली है, तो इसको हम कुछ अल्टरनेटिव दे सकते हैं क्या जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो? तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे सीमेंट, मिट्टी, गुड़, ये सब मिला के एक सही प्रोपोर्शन में लगा के उसको प्लास्टरिंग किया, और वो लगभग वो प्लास्टिक लाइनिंग के 80% कम आ गए। हाँ। और अच्छी बात यह है कि 2 साल के बाद भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उसमें पर्कुलेशन कम हो रहा है, लगभग नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं जो पीने के पानी के लिए जी जी कैसे मैं लेकिन इसमें रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है कैसे जी, अब समय कम है, मैं बस इसमें एक दो चीजें जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसे भारत में कम से कम कई पॉकेट्स हैं जहां पर खेत तालाब में अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ जरूर होगा, इतना बड़ा देश हम कैसे दावा करते हैं। बुंदेलखंड में जहां अधिकारी बहुत अच्छे थे, जैसे हमारे महोबा में भी एक गांव में ही 100 से ज्यादा तालाब बनाए, और उसके रिजल्ट हैं, पानी उठना शुरू हो गया। पहली उनके कुएं जो 20-20 साल से सूखे पड़े थे, उनमें थोड़ा सा पानी आना शुरू हुआ। ठीक है। तो ऐसे ही देवास में कई जगहों पर आप देखेंगे पानी, 600 फीट से पानी आज 15 फीट पे 20 फीट पे पानी है। ऐसे ही जहां पानी फाउंडेशन ने काम किया महाराष्ट्र में, तो वहां भी पानी उठा हुआ देखेंगे। तो लेकिन यह है कि सरकार की पूरी स्कीम में जहां पर जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है, लोग उसमें लगे हैं। सरकार की स्कीम तो एक जगह है, अधिकारियों को चलानी थी, लेकिन जहां पर लोग लग गए, समाज लग गया, वहां बेहतर रिजल्ट, वहां बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। तो सरकार को इसमें जन भागीदारी और ये भी आप 10 लाख वाले आंकड़े से अचंभित? नहीं, वो तो कुछ बड़ा ही आंकड़ा है। अच्छा आप दूसरा बताइए, जो गांव में जो पुराने तालाब है उनका कुछ उद्धार हुआ मनरेगा में इतने दिनों तक? मनरेगा में दरअसल क्या है कि मनरेगा उस जो पुराने तालाब हैं उसकी समस्याओं को मनरेगा एड्रेस नहीं कर पा रही है। हाँ। वो समस्याओं से जूझ भी नहीं पा रही, क्योंकि समस्याओं का समझ नहीं है मनरेगा में। मनरेगा की अपनी एक कोई सारी प्रायोरिटी है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने खेती और तालाब, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बड़ी बात थी, मुझे लगा ये प्राथमिकता की बात है, और इसके चर्चा से आप सबका भी ध्यान अपने गाँव की तरफ जाना चाहिए। 60 लाख रुपया साल में भारत सरकार राज्य सरकारें खर्च करती हैं, थोड़ी दिलचस्पी लीजिए मुखिया जी के बोलेरो और उनकी जो रौब गांठ के जो चल रहे हैं उनके अकाउंटेबिलिटी पर भी थोड़ी सी बात कीजिए।
क्योंकि हर चीज को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो देखने नहीं जाएंगे, तो आप दिलचस्पी लीजिए और अपने अपने गांव में खोजिए कि कहां 10 लाख तालाब बने हैं, वो किन हालात में बने हैं, वो उनका मकसद क्या है, किसके खेत में बने हैं और उसका क्या अच्छा परिणाम हो रहा है, क्या बुरा परिणाम हो रहा है। तो सुबह जब मैंने कहा था, जब बजट पेश होने के दौरान, तो कई लोगों ने अपने अपने गांव से तालाब के बारे में सूचना ट्वीट की थी, पर किसी से फोन पर नहीं, खुद देख के भी ट्वीट कीजिए, तस्वीरें दीजिए, जिससे पता चले कि हिंदुस्तान में तालाब की अच्छी और बुरी स्थिति क्या है। और अगर 10 लाख तालाब बने हैं तो इसका जश्न आप खुद भी मनाइए, विपक्ष ना बनाए तो क्या हुआ। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।